पाल्मर स्पेस पढ़ने वाले हैं, लेकिन मिड पाल्मर स्पेस जानने से पहले हमें ये भी जानना है कि हमारे हैंड में कितने स्पेस होते हैं। अगर पाल्मर स्पेस देखने जाए तो डायग्राम में देख सकते हो, इसको हम बोलेंगे मिड पाल्मर स्पेस, इसको बोलेंगे थिनर स्पेस, और जो फिंगर टिप्स होते हैं उसमें होंगे पल्प स्पेस। अगर हम लोग डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड देखें, मतलब हैंड का पीछे वाले भाग, तो उसमें दो स्पेस होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डोर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस, और दूसरा होगा डोर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। इसका मतलब जो हैंड के पीछे वाले भाग में फेशिया होंगे, फेशिया के अंदर में जो स्पेस बनेंगे उसको बोलेंगे हम लोग डोर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस, और क्यूटेनियस एरिया में होंगे उसको बोलेंगे हम लोग डोर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस। अब हम जानेंगे व्हाट इज मिड पाल्मर स्पेस। सो इट इज अ ट्रायंगुलर मिड पाल्मर स्पेस व्हिच इज लोकेटेड अंडर द मीडियल हाफ ऑफ हॉलो ऑफ हैंड। आप ये हैंड देख रहे हो, उसका मीडियल साइड में कुछ स्पेस बनते हैं, उसी को बोलेंगे हम लोग मिड पाल्मर स्पेस। मिड पाल्मर स्पेस के टोटल 6 बाउंड्रीज होते हैं, उसमें से एंट्री बाउंड्री, पोस्टर बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री और लैटरल बाउंड्री होते हैं। लेकिन सारे के सारे बाउंड्रीज जानने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से कौन सा स्ट्रक्चर पास होते हैं। सो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से मोस्टली 9 टेंडन्स और आपका मीडियल नर्व पास होता है। तो 9 टेंडन्स मतलब एक टेंडन फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस के, और 4 टेंडन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, और 4 टेंडन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के पास होते हैं। और इसके अलावा ये टेंडन्स के साथ साथ रेडियल बर्सा और अल्नार बर्सा भी पास होते हैं। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, एंट्री बाउंड्री हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ फाउंड बाय पाल्मर एपोन्यूरोसिस, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, मीडियल 3 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, मीडियल 3 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और प्रोफंडस का मीडियल 3 टेंडन्स अगर यहाँ पे है तो इसके साथ साथ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लम्ब्रिकल्स पास होंगे। और जो आपका यहाँ पे थिनर स्पेस देख रहे हो, थिनर स्पेस से फर्स्ट टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फर्स्ट टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पास होते हैं, और इसके अलावा फर्स्ट लम्ब्रिकल्स पास होते हैं, जो सिर्फ थिनर स्पेस से पास होंगे, मिड पाल्मर स्पेस से पास नहीं होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे एंट्री बाउंड्री फॉर्म्ड हो रहा है, और इसके नीचे में जो स्पेस देख रहे हो इसी को बोलेंगे हम लोग मिड पाल्मर स्पेस। अगर पीछे से देखने जाओगे तो दिस इज नोन एज थर्ड मेटाकार्पल, दिस इज नोन एज फोर्थ मेटाकार्पल, एंड दिस इज नोन एज फिफ्थ मेटाकार्पल। और ये तीनों बोन्स के बीच में इंट्रोसियस मसल्स प्रेजेंट है, और इसका डीपर एस्पेक्ट में फेशिया होता है। तो हम बोल सकते हैं पोस्टेरियरली बाउंड्रीज इज फाउंड बाय फेशिया कवरिंग द इंट्रोसिया एंड 3 मेटा, दैट इज द थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स एंड इंट्रोसियस मसल। लैटरल बाउंड्री इज फाउंड बाय इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम। तो ये इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस होते हैं उसके जो डीपर एस्पेक्ट होंगे वहाँ से अराइज होंगे, और ये थर्ड मेटा कार्पल बोन्स में जाके अटैच हो जाएंगे। तो ये बोल सकते हैं हम कि लैटरली इट इज़ फाउंड बाय द इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाल्मर एपोन्यूरोसिस टू द थर्ड मेटाकार्पल बोन्स एंड विच सेपरेट द थिनर स्पेस फ्रॉम द मिड पाल्मर स्पेस। अब इसको बोलेंगे हम लोग मीडियली, वी हैव द मीडियल पाल्मर सेप्टम। तो मीडियल पाल्मर सेप्टम जो आपका पाल्मर एपोन्यूरोसिस होते हैं उसका मीडियल मार्जिन से लेके आपका फिफ्थ मेटाकार्पल बोन में जाके अटैच हो सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं द मीडियल पाल्मर सेप्टम एक्सटेंड्स फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर ऑफ पाल्मर एपोन्यूरोसिस टू द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स एंड विच सेपरेट्स, मतलब ये जो आपका सेप्टम है ये आपका मिड पाल्मर स्पेस और हाइपोथिनर एरिया को सेपरेट करने के लिए काम करता है, राइट। सेम हाउ वी हैव प्रॉक्सिमल एक्सटेंट एंड वी हैव द डिस्टल एक्सटेंट। तो प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट मतलब आप फोरआर्म के तरफ देखिए, तो मिड पाल्मर स्पेस कंटिन्यूज विद द फोरआर्म, दैट इज नोन एज स्पेस ऑफ पेरोना। इस एरिया को बोलेंगे हम लोग स्पेस ऑफ पेरोना, राइट। सो स्पेस ऑफ पेरोना का बाउंड्रीज क्या हो सकता है,
पोस्टरली देखेंगे वी हैव द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ रेडियस अल्ना एंड द प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और आगे से देखेंगे वी हैव द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन, मतलब जो हम लोग चार टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, चार टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और एक फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस का टेंडन इसके आगे वाले भाग से पास होंगे। इसका मतलब ये दोनों बीच का एरिया को बोलेंगे हम लोग स्पेस ऑफ पैरोना। सो प्रोक्सिमली मीट पाल्मर स्पेस इट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द फोरआर्म। नाउ डिस्टली अगर देखने जाएंगे तो मीड पाल्मर स्पेस कंटिन्यूज विद द मीडियल थ्री वेव स्पेस। ये सारे के सारे स्पेस देख रहे हो जो आपका फिंगर के बीच में है उसी को बोलेंगे वेव स्पेस, जहां से लम्ब्रिकल्स पास होते हैं। तो डिस्टली मीड पाल्मर स्पेस कंटिन्यूज टूवर्ड्स द थ्रू द वेव स्पेस राइट टूवर्ड्स द फिंगर। अगर क्लिनिकल कोरिलेशन देखें मीड पाल्मर स्पेस का तो इन्फेक्शन ऑफ द मीड पाल्मर स्पेस हो सकता है। आप डायग्राम में देख सकते हो या हैंड में इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब यहाँ पे पस एक्युमुलेट हो चुका है या फिर इन्फेक्शन हो गया है। तो हम बोल सकते हैं द अल्नार बर्सा इज कंसिडर्ड एज इनलेट फॉर इन्फेक्शन एंड लम्ब्रिकल कैनल एज ए आउटलेट ऑफ इन्फेक्शन इन द मीड पाल्मर स्पेस। अगर मानो किसी को इन्फेक्शन हो गया या फिर यहाँ पे पस एक्युमुलेट हो गया तो पस को ड्रेन क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो मीडियल जो आपका द टू वेव स्पेस, मतलब ये आपका छोटा फिंगर हो गया, ये रिंग फिंगर और ये आपका मिडल फिंगर, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस देख रहे हो आप डायग्राम में भी देख रहे हो, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे इंसिशन डालेंगे और इंसिशन डालने के बाद यहाँ से पस को ड्रेन किया जा सकता है। तो आप ये सारे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ से भी जो वेव स्पेस के पास कट करेंगे या फिर बीच वाला पोर्शन में हम लोग कट करेंगे या फिर ये जो एस पैटर्न देख रहे हो यहाँ पे भी अगर हम कट करेंगे या फिर इंसिशन डालेंगे तो यहाँ से हम लोग पस को ड्रेन कर सकते हैं। थैंक यू।